नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष। और मिर्जापुर कहने को तो सीरीज है, लेकिन उसमें कई अलग अलग लोग शामिल हो गए हैं। एक दिल्ली के हैं, एक मुंबई के हैं, कोई पुणे का है, तो कोई अंडमान निकोबार का भी है। तो ऐसे में मैं आपको सीधे अंडमान निकोबार लेके जा रही हूँ, क्योंकि हम बात करने वाले हैं श्वेता से। इट इज रियली इंटरेस्टिंग टू रीड कि आप अंडमान निकोबार में रह चुके हैं। यार, गुड टाइम। हाउ वाज ओवरऑल, था क्या ऐसा वो द्वीप? मेरे जो पिताजी हैं वो आईएएस ऑफिसर है ना, जी रिटायर्ड था। तो जब हमें पता चला था कि वो अंडमान उनकी पोस्टिंग हो रही है, तो पहले तो ये हुआ था कि फैमिली दिल्ली में ही रहेगी, क्योंकि हमारी पढ़ाई बेहतर वहां पे होगी, बाकी जो सपोर्ट है। तो मैं तो मतलब आई एम माई डैडीज गर्ल, तो मैंने कहा नहीं 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 कहीं वो अकेले नहीं जा रहे हैं, हम सब जाएंगे। एंड हम फिर अंडमान गए, और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि अभी भी अंडमान की बात करके मेरे फेस पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि इतनी सुंदर, इतनी शांत, इतने अच्छे लोग। कुछ मतलब जब हम लोग वहां पे थे, आप मानोगे नहीं, रेप केसेस एक होते ही नहीं थे। मतलब आई एम श्योर रिपोर्ट नहीं होते थे कहीं, बट एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी। सब लोग एक दूसरे का अच्छा चाहते थे, मिलजुल के प्यार से रहते थे। तो बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट था ग्रो करने के लिए। हम लोग अकेले बीचेस जाते थे, हम लोग कहीं भी ट्रैवल करते थे। तो चाहे वो आपके घर वाले क्यों ना हो, या फिर जो स्कूल में भी, तो वो बहुत इनसेंस थी। कोई फास्ट फूड नहीं था वहां पे। फास्ट फूड इडली डोसा माना जाता था, या फिर वो नूडल्स जो चाइनीज वाले देसी नूडल्स होता है। तो बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं वहां रही, क्योंकि मैं कैंसेरियन हूँ, क्रैब हूँ। तो मैं मानती हूँ कि मैं ओशन के पास सबसे ज्यादा मुझे मजा आता है। तो वो 3 साल मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी है। That's really nice. वहां से हम मिर्जापुर पे आते हैं और सरदवा से पूछते हैं। सरदवा जी, जी कैसा लगा आपको मिर्जापुर ओहो शहर और उसकी संस्कृति? बहुत ही कमाल और भोकाली बवाली फ्लेवर, जगह का भी, बोली का भी, माहौल का भी, दुनिया का भी। और जब उस दुनिया में दाखिल हुए तो फिर उसका भी, तो एक पूरी तौर से अगर सर चीज को मिला दें तो एक बहुत ही भौकाली अनुभव रहा, और चल रहा है और खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। भाई, आपने तो ऐसा रंग पलटा कि एंड ही चेंज कर दिया। मतलब हम सोच रहे ये हो रहा ही होगा, ओके फाइन खत्म, लेकिन नहीं, आप पहुंच गए। और इनफैक्ट बहुत सारी स्टोरीज भी इस पर बन रही कि अब अगले आने वाले जो नया है उसमें क्या करने वाले हैं। तो चलिए, हम वो तो बाद में बात करेंगे। अभी तक आपको सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट कौन सा मिल रहा है? मुझे एक्चुअली मतलब बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे लोग अपनी जो उनकी जो उनका जो मन है, उनके जो मैसेजेस हैं, उनका जो प्यार है, वो अलग अलग तरीके से लगातार दे रहे हैं। मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि शरद दिमाग से चलने वाला ज्यादा आदमी है, तो उसी पे ज्यादा है कि ऐसा दिमाग क्या है और क्या सोचते हैं और क्या चलते हैं। देखा ये कर दिया, देखा कुछ बोले नहीं और बोलना चाहते। तो मतलब जितना, तो मुझे एक आध बार तो ऐसा लगा कि इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था शायद, कि जितना कि ऑडियंस ने सोच के उसको वो कह रहे हैं। एक मैं अभी कुछ कह रहा था कि एक कोई सज्जन है, उन्होंने बाल, उनके लंबे थे, उन्होंने बाल ही कटवा दिए और उन्होंने फोटो भेजी है कि ये देखिए भैया जी, पहले ऐसे थे, अब हम ऐसे हैं। और फिर जैसे कि भैया हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, जो जौनपुर के लोग हैं उनका है कि भाई जौनपुर ही है बस, अब जो भी है। तो बहुत अलग तरीके का, और ये चीज मैं पहले से जानता हूँ, इसका अंदाजा मुझे है कि, और ये हम सभी जानते हैं कि खासकर मिर्जापुर की ऑडियंस जो इतनी भारी तादाद में है, बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत इमोशनल है शो को लेके, कैरेक्टर्स को लेके, उस दुनिया को लेके। तो उनके जो कमेंट्स होते हैं और उनका जो प्यार दिखाने का अंदाज होता है, वो भी बहुत ही प्यारा होता है। तो उसमें भर भर के इमोशंस होते हैं, जिस जो 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 भी चीजें वो लिखते हैं या जो भी वो कहते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। सडनली श्वेता, आपसे जानना चाहते हैं, इस बार जब गज, यार पहले तो ये मुझे बताओ, आपको गजगामिनी नाम कैसा लगा था? मुझे मजा आता है जब कुछ नाम और कैरेक्टरिस्टिक्स आप मुझसे दूर होती है ना, तो उस कैरेक्टर में, उस किरदार को समझने में उतना ज्यादा मजा आता है। कि अगर ये कुछ सिंपल सा नाम होता ना, तो मुझे उतना मजा नहीं आता। मतलब गज गामनी, वो सुन के ही इतना ऐसा भौकाल लगता है, अथॉरिटी लगती है।
इनफैक्ट मैं सीजन 3 में तो वो रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं गजगावनी ही नाम रखना मुझे, क्योंकि अब वो जिस तरह से ग्रो हो रही है, जिस माहौल में हो रही है, तो मैं यही चाहूंगी कि लोग मुझे एज गजगावनी जाने। बहुत मजा आया यार, ये मतलब मेरे करियर का सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर रहा है, और मुझे नाइटमेयर्स भी आए थे जब मैं शूट कर रही थी, बट विच इज वाई इतना सेटिस्फाइंग भी रहा है, क्योंकि इतना चैलेंजिंग था। तो अब जो लोगों को अप्रिसिएशन जो मिल रहा है, जो दे रहे हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो ठीक कर रहा है। नहीं, वैसे भी कलाम साहब कह के गए ना हमारे पूर्व राष्ट्रपति की सपना वो होता है जो सोने ना दे, तो ये तो आपकी रियलिटी है। और इट वाज लाइक मैंने जितना भी देखा, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कितना ज्यादा इसको अंदर से चेंज होना पड़ रहा है। तो वाज इट रियली वेरी स्ट्रेस में होता है कोई एक्टर जब आपको इतना चेंज दिखाना पड़ता है? बाकी एक्टर्स का पता नहीं, लेकिन जिस तरह से मैं जो एक्टिंग करती हूँ, क्योंकि सबके अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट होते हैं एक्टिंग के, तो मैं वैसा महसूस करना हमेशा चाहूंगी कि जो एक्टर महसूस कर रहा है, इन टर्म्स ऑफ बबलू और स्वीटी मेरी लाइफ से छीन लिए गए, तो वो जो दुख है, वो जो दर्द है, वो आप इमेजिन कर ही नहीं सकते हो कि आपकी आंखों के सामने किसी को गोली मार दी गई, आपकी बहन जो पेट से थी, तो वो बहुत मुश्किल है अपनी लाइफ से कोई पैरेलल ड्रॉ करना, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल। तो मैं गोलू का दर्द समझना, गोलू का कंफ्यूजन समझना मेरे लिए बहुत जरूरी था, एंड तब मुश्किल था, क्योंकि मैं सारे टाइम, अगर आप मिर्जापुर देख रहे हो तो उसमें ह्यूमर भी है, हंसी मजाक भी है, लाइट मोमेंट्स भी है, लेकिन गोलू की लाइफ में ये सब नहीं था। गोलू की लाइफ में बस इट वॉज एक मुश्किल से कैसे बचो, फिर दूसरे पे जाओ, स्टेप 3, 4, 5, 6। तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था, जब मैं सपनों में लगता था कि आ रहे हैं, कोई अटैक करने आ रहे हैं, और वो मैं म्यूजिक भी वैसे ही सुनती थी, तो काफी मुश्किल था, पर चलेगा। आई एम श्योर। अच्छा, भाई चाय वाय बनाना सीखा है? नहीं सीखा फाइनली आपने? वो तो बबलू वो बनानी थी, बबलू तो चल बसे। पर एक शरद के कैरेक्टर में, मेबी करेक्ट मी इफ आई एम गोइंग रॉन्ग, शरद का कैरेक्टर भी बहुत कुछ बबलू जैसा, बहुत सुलझा हुआ, बहुत दिमाग से चलने वाला। आई डोंट नो व्हाट इज योर रिएक्शन शरद वा? हाँ, मतलब आप ये कह रही हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में लोगों ने भी काफी ये रेफरेंसेस रखे, क्योंकि शायद वो इसलिए भी एक पैरेलल हल्का सा ड्रॉ कर रहे हैं कि क्योंकि वो एक सीजन वन में एक ऐसा कैरेक्टर था जो दिमाग से ज्यादा चलता था, ये भी थोड़ा उस तरह का इंसान है, लेकिन बहुत अलग इसलिए हो जाता है वो, क्योंकि एक इंसान जो कि इस दुनिया में आए और एक इंसान जो इस दुनिया का है लेकिन होना नहीं चाहता है, ये अपने आप में ही बुनियादी तौर से बहुत अलग कर देता है दोनों कैरेक्टर्स को। तो ये था, और लेकिन मतलब हाँ, लेकिन बहुत सारी चीजें थी कि आप सिर्फ यही नहीं था कि आप वो दिमाग से चलता है, ये तो सारी चीजें, लेकिन वो बहुत मुश्किल भी पैदा कर सकती थी जो चॉइसेस हम लेना चाह रहे थे उसको प्ले करने के लिए गुरु और पुनीत के साथ, कि हमें बहुत ही एक वो सुर मिलना बहुत जरूरी था कि बाहुबली है, उस दुनिया का है, इसका मतलब पता सब कुछ है, तो एक जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो ज्यादा होगी उस चीज को, लेकिन वो उसको नकारता है, तो वो एक बिग थिन लाइन है कि ऐसा नहीं है कि नया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि करता है, तो वो कुछ टाइम लगा वो सुर मिलने में, और फिर जब वो एक मिलता गया, छोटी छोटी चॉइसेस इनिशियली हमने ली, और वो मुझे याद है शायद दूसरे या तीसरे दिन शूट पे था, एक दिन बैंग ऑन, मतलब आई वेंट टू लखनऊ जब हम गए शूट के लिए, जो मैंने घर जब अपना देखा, जो घर हमारा जो हमने चुना था, वो जो हवेली थी, मैं वहां घुसा और थोड़ी देर मैं तैयार होके मैं आया वहां पे, और मैं बैठा, और आंगन था जैसे, जो आपने भी देखा होगा अगर सीरीज देखी है, मैं वहां पे थोड़ी देर बैठा एक कमरे में, और मैंने गुरु को आगे बोला, मैंने कहा चलो आ गया कुछ। अब शायद अब और वो इत्तेफाक से मेरे पहले दो सीन जो थे जब हम कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो उस घर में थे, तो वो फिर एक बहुत सुर मिलना बहुत जरूरी होता है, और एक्टर, मतलब श्वेता भी इस बात से अग्री करेंगी कि वो एक सुर मिलना बहुत जरूरी होता है, वो एक बार, लेकिन वो एक बार मिल जाता है ना, फिर आप उसके ऊपर पूरी की पूरी इमारत, अपनी दुनिया बना सकते हैं। That's really nice. अच्छा, at the same time, आपका और आपकी मम्मा का जो I am so sorry to interrupt. Can we take the last question from there? Hi, इतनी जल्दी, इतने अच्छे कलाकार। I know, even if I'm not करता आपको रोकने का, but I think we are like running short of time थोड़ा बहुत।
ठीक है अरे यार दिस इज बहुत नाइंसाफी है जालिम. अच्छा चलिए आप अगर अंजुम आपकी मैं बात करती हूँ, ऐसा कौन सा एक चीज होगी जो आप अपने रियल लाइफ में भी उतारना चाहेंगे आफ्टर डूइंग मिर्जापुर, और ये चीज मैं श्वेता से भी जानना चाहूंगी कि ऐसी कोई क्या करना चाहूंगा मिर्जापुर में बहुत सारे इमोशंस भी हैं, दोस्ती है, दुश्मनी है, मम्मा पापा, मम्मा से प्यार है तो पापा का दुख है, तो ऐसे कौन सा इमोशन है जो आपको बहुत इंस्पायर कर गया पूरी मिर्जापुर के दौरान ऑफ कैमरा ऑन कैमरा जो यू वांट टू हैव इन योर लाइफ? आई थिंक एक ऑब्जेक्टिविटी, एक चीजों पे बहुत ज्यादा, मतलब मैं सिर्फ एक उस पहलू की बात कर रहा हूँ जो कि उस कैरेक्टर में है जो मुझे पसंद है, कि किसी भी सिचुएशन में बहुत जल्दी रिएक्ट ना करना, पहले सुन लेना सामने वाला क्या कह रहा है, समझ लेना. हम क्या करते हैं अक्सर कभी कभी इंपल्सिव होके किसी भी सिचुएशन में कुछ होता है, खासकर जब हम किसी क्राइसिस में होते हैं या किसी ऐसे सिचुएशन में होते हैं जो थोड़ी इंपल्सिव होती है, जल्दी रिएक्ट कर देते हैं. तो वो ना करना, सुन लेना आराम से, बिकॉज शरद इज समबडी जो टाइम लेता है रिएक्ट करने में, वो सुनता है. उसकी उसकी क्योंकि दुनिया अलग है, उसकी जर्नी अलग है, तो वो एक तरह से डिसीजंस लेता है क्योंकि वो वहां का है. लेकिन ये चीज अगर हम अपने अंदर भी ले आए कि किसी भी चीज में सिचुएशन में जल्दी रिएक्ट नहीं करना है, सुन लेना है, तो मुझे लगता है कि 90% हम जो डिसीजन लेंगे वो शायद सही होंगे, वाजिब होंगे. That's nice. What about you, Shweta? जज ना करना, क्योंकि गोलू ने सीजन में एक लाइन बोली थी कि किसी एक का सही दूसरे का गलत, और दूसरे का सही किसी और का गलत तो हो ही सकता है. तो ये एक वो बात, और एक कामनेस रखना. कई बार जब मैं रियल लाइफ में भी ऐसा मुझे होता है कि समझ नहीं आ रहा होता है या थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि गोलू क्या करती, क्योंकि मुझे पता है कि गोलू की जो अप्रोच है वो सोच समझ के करती, तो वो मेरे लिए वो मैं लाना चाहूंगी. और निडर भाई, गोलू बहुत, उसको डर नहीं लगता है. मेरे यहाँ घर के नीचे कुछ आवाज होगी, मैं नहीं जाके चेक करने वाली हूँ. मुझे लगता है कि गोलू से थोड़ी हिम्मत भी अगर मिल जाए तो लाइफ बढ़िया है. चलिए बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया हो, और नेक्स्ट जब सीजन आए तो एक बार फिर से मिलना हो और एक बार फिर से लोगों का प्यार आपको मिले. थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू.